पठान फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है। दीपिका पादुकोण द्वारा भगवा रंग की बिकनी पहने जाने पर कई हिंदुवादी संगठनों नेताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही इस दृश्य को फिल्म से हटाने की मांग हो रही है। इसी बीच शाहरुख खान के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर शाहरुख के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची की मॉफ्ड तस्वीर पोस्ट की है। यह तस्वीर बेशरम रंग गाने से संबंधित है, जिसमें दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है। इस पर बवाल मच गया है और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने इस मामले को लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि पुलिस कार्रवाई कर उत्तर दे कि क्या कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने @अजारस्क द्वारा किए गए ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। @SourabSMUP यूजर ने लिखा कि कोई ऐसे कैसे इस स्तर तक गिर जाता है। @RolitTiwariMish1 यूजर ने लिखा कि स्तरहीन और घटिया हरकत, विरोध का ये स्तर कतई स्वीकार्य नहीं। @BachaspatiMiss7 यूजर ने लिखा कि ये फोटो किसने डाला है, पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर सीधे जेल भेजे, कभी जमानत नहीं होनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि ऐसे देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों को इस देश की कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। शाहरुख खान के इन स्वघोषित प्रशंसकों द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट्स को कई ट्विटर्स यूजर ने अपमानजनक करार दिया और अपराधियों को कड़ी सजा देने का आह्वान किया। देश भर में गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, गाने की खूब आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, कई हिंदू संगठनों की मांग है कि इस गाने के लिए शाहरुख को माफी मांगनी चाहिए और साथ ही फिल्म को दोबारा शूट किया जाना चाहिए, जिसमें से भगवा रंग को हटा दिया जाए। सोशल मीडिया पर भी गाने को लेकर काफी विवाद हो रहा है। जहां इस गाने को खूब पसंद किया जा रहा है, वहीं गाने के साथ साथ शाहरुख और दीपिका को काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। बता दें कि पठान फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर लोग सोशल मीडिया पर फिल्म का बहिष्कार करने का अभियान चला रहे हैं। कई हिंदुवादी संगठन, भाजपा के तमाम नेता और धार्मिक गुरु इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एक यूजर ने यह एडिटेड पोस्ट शेयर कर दिया। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और साइबर सेल अब इस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।